अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, बहुत खुश होंगे। और मुझे एक चीज़ है ना, बड़ा ज़्यादा एक्साइटेड कर दिया है। अभी क्या होता है कि जब मैं वीडियो एडिट करती हूँ ना कोई, तो जाहिर सी बात है ऐसे होता है कि सारे क्लिप्स ना ऐड करने होते हैं, सारे इकट्ठे करने होते हैं और फिर उनके ऊपर वॉइस ओवर करनी होती है, ठीक है। तो अभी ये मैंने ना सारे क्लिप्स इकट्ठे किए, तो ना एक दफ़ा मैं ओवरऑल सारे स्पीड में करके ना तो सारे क्लिप्स एक दफ़ा देखती हूँ और बाद में उसके बाद वॉइस ओवर शुरू करती हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने ना सारे क्लिप्स देखे और एक अंदर इतनी मज़े की चीज़ रिकॉर्ड हुई है ना, जो कि मुझे पता ही नहीं चला कि ये मैंने रिकॉर्ड की है। तो चले, जब वो वाला क्लिप आएगा ना तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी, बहुत मज़ा आने वाला है। अच्छा, तो अभी वीडियो में जो कुछ हो रहा है मैं आपको वो बताती हूँ। ये है जी टेबल का प्रिंट। तो इस प्रिंट, ये टेबल के ऊपर मैंने सारी ये चीज़ें वगैरह रखी हुई हैं, तो इसके ऊपर मैंने लगाने लगी हूँ ये वाला कवर। तो आप अब सोच रहे होंगे कि टेबल का प्रिंट तो प्यारा है, तो इसको क्यों चेंज करना है? इसके पीछे कई एक वजूहत हैं, अब मैं आपको वजूहत गिनवाती हूँ। पहली वजह ये कि ये बहुत ज़्यादा पुराना हो गया, मैं अब ये प्रिंट देख देख के ना उग गई हूँ। और दूसरी वजह यह है कि कॉर्नर से ये ख़राब हो गया थोड़ा सा। और तीसरी सबसे मेन वजह ये है कि ना, अगर ये रूम में सामने होना तो बंदा रूम में नमाज़ नहीं पढ़ सकता, तो इस वजह से इसके ऊपर मैंने ये शीट चढ़ा दी है। शीट सबसे पहले मैंने वो जो येलो वाला कवर था ना ग्लेस पेपर, उसकी वाइट वाली साइड को टेप के साथ लगा दिया, उसके ऊपर ये जो शीट ट्रांसपेरेंट शीट थी ना वो मैंने ऊपर लगा दिया। तो ये मैंने बेड के पास रखी है। अब इसका एक मज़ीद फ़ायदा ये हुआ ये वाली सेटिंग करने का, कि जो स्नैक प्लांट है ना, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये ऑक्सीजन का एटम बॉम्ब है। तो अगर ये यहाँ पे मैं बेड पे जब सोऊंगी तो ये अगर ऑक्सीजन बॉम्ब सामने पड़ा होगा तो जाहिर से बात है बेनिफिट ही होगा ना। तो अब ये वाला एक स्टैंड है, इसके लिए मैं आपको एक कमाल का धमाल का धमाकेदार एक आइडिया बताती हूँ। तो उससे पहले ना मामा ने मुझे कहा था कि ये, मामा छत पे गई थी और छत पे जाने से पहले मामा ने कहा कि जब मशीन रुक जाएगी तो अंदर से ये कपड़े निकाल के तो दूसरे कपड़े डाल देना, पहले हम ना ये वाला काम ख़त्म करते हैं। तो हमने कपड़े डाल दिए हैं, मशीन बंद कर दी है। और अब हाँ, जाते जाते ना मैंने यहाँ से एक चीज़ लेनी है तोतों के घर से, तो मज़े की चीज़ आने लगी है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, वो अभी आने लगी है। मैंने ना इस उधर के नालियों में से ना आपको अंडे दिखाने थे, तो मैंने फ्लैशलाइट ऑन करके ना तो बस ऐसे वीडियो बना ली। और अभी जब मैं सारी क्लिप्स देख रही थी ना और मैंने देखा कि इसके अंदर एक बेबी निकला हुआ है तोते का। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मामा घर में नहीं। अगर मामा घर में होती हूँ, मामा को बताती, मामा इतना खुश होती ना, एक्साइटेड होती, तो फिर हम फौरन दोबारा देखने के लिए जाते हैं। तो खैर, अच्छा, यहाँ से मैंने ये तीन पोर्ट्स लिए हैं छोटे छोटे, ये मैंने ना ऑनलाइन मंगवाए थे, चार पोर्ट्स की डील थी तो 200 में। तो ये उन्होंने ना 5 भेजे थे, अब पता नहीं बाय मिस्टेक भेजा या फिर कोई गिफ्ट था वो, खैर। तो ये मैंने ना उस स्टैंड के अंदर लगा लिया। और ये मैंने क्लॉक रेडी की थी, तो इसकी मैं वीडियो अपलोड करूँगी इसकी डेकोरेशन की, फिर मैं आपको ना उसका लिंक शेयर करूँगी, ठीक है। और अब ये देखिए, ये मैंने मिरर के अंदर ये 3 अम्ब्रेलाज लगाए हैं और उसके ऊपर ये मल्टी कलर में ये क्लॉक लगा दिया। और ये इकट्ठी इतनी प्यारी लग रही थी ना, सारा कुछ कलरफुल मल्टी मल्टी सा इतना प्यारा लग रहा था। और ये है मेरे इस बेड के साथ वाले कॉर्नर की फाइनल लुक। अच्छा, दरमियान में वो जो एक पड़ा मैन जो उल्टा दिल नज़र आ रहा है आपको, स्नेक दोनों स्नेक प्लांट्स के दरमियान में, वो ना मैंने खुद ही मतलब जैसा था वैसे रख दिया है। अभी इसके ऊपर मैंने ना मिरर है इसके अंदर, तो इसके ऊपर मैंने मिरर पेंटिंग करनी है, तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी वो कैसी बनी है। तो अब मेरा रूम मेकओवर कंप्लीट हो चुका है और मैं अब आपको फाइनल लुक इसकी दिखाती हूँ, ठीक है। ये बेडशीट मैंने चेंज कर ली थी। और हाँ, बेड के नीचे मैंने ना जो सारी मेरी ज़रूरत की चीज़ें थी ना, पेंट्स वगैरह और डायरीज़ वगैरह, वो सारी चीज़ें मैंने एक साइड पे ना बेड के इस तरफ रख दिया ताकि मुझे आसानी से मिल जाए, क्योंकि और रूम में जगह तो कोई मतलब अलमारी वगैरह तो है नहीं जिसके अंदर मैं ये रख लूँ। तो होप्स आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।